ये जो मरीन ड्राइव का नज़ारा है, हम लोग मरीन ड्राइव से नहीं अपने होटल के बालकनी से ले रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, होटल के बालकनी से हम लोग मरीन ड्राइव का नज़ारा और सी का नज़ारा, ये जो नरीमन पॉइंट पे होटल ट्राइडेंट और बड़े बड़े होटल्स हैं, हम उसमें स्टे नहीं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। लेकिन हमारे पास एक और, हाँ बट सेम मज़ा ले रहे हैं, शायद उससे ज़्यादा मज़ा ले रहे हैं, क्योंकि बालकनी की वजह से आप देख सकते हैं, यहाँ बालकनी से निकल के फील कर सकते हैं। और ये मरीन ड्राइव पे एक बजट होटल है, बजट नहीं ठीक है, मिड बजट होटल बोल सकते हैं, क्योंकि लोकेशन इतना बढ़िया है, एटलीस्ट उनके इतना कॉस्टली तो नहीं है और वो लग्जरी ज़्यादा है, ये लग्जरी थोड़ा कम है, बट हमारे लिए ठीक है ये। तो इस होटल को हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया है कल से, तो मैं आपको इसका एक शॉर्ट रूम टूर दे देता हूँ ताकि कभी आप लोग भी आए तो इसे देख सकें। और सब चीज़ में ये नंबर वन है, बस आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं किसी, हाँ, किसी फाइव स्टार या इसकी, कोई स्टार होटल नहीं है, नॉर्मल और पुराना होटल है। आपको बहुत रिलैक्स फील होगा यहाँ पे, रूम में रूम लाइटेड है और सब कुछ क्लीन, हमने जब एंटर किए थे तो सब कुछ क्लीन मिला था, बढ़िया था। और अभी हमने सब गंद मचा दिया हम निकलेंगे तो फिर सफाई हो जाएगा। और सबसे बेस्ट रात में निकल के बालकनी से आप मस्त एंजॉय कर सकते हैं, इस जगह को, इस जगह का आनंद ले सकते हैं। कभी भी आप बीच पे जाइए, नरीमन पॉइंट पे जाइए, वॉक कर सकते हैं, अगर दो दिन रुके तीन दिन रुके तो वॉक वगैरह भी आप आराम से कर सकते हैं। और पीछे अगर रोड से इधर चले जाए तो आपको चर्च गेट के पास मार्केट भी मिल जाता है, बढ़िया, तो मार्केट मिल जाता है, खाने पीने का रेस्टोरेंट मिल जाता है, चर्च गेट जस्ट पास में, एक किलोमीटर के डिस्टेंस, वो एक किलोमीटर 800-900 मीटर के डिस्टेंस, फैशन स्ट्रीट पास में है, फूड फैशन स्ट्रीट के जस्ट थोड़ी दूर में ही फूड स्ट्रीट है, बहुत ही अच्छा, वो भी पास में ही है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस में, तो सब कुछ आपको मिल जाता है यहाँ पे। भले ही सबसे महंगा इलाका है मुंबई का, लेकिन फिर भी यहाँ पे रहने का मजा ही अलग है। और यहाँ पे है धीरूभाई अंबानी का घर, मुकेश अंबानी का घर, ये इसके बगल में, चलिए वो नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो बहुत दूर है। चलिए आपको रूम टूर देते हैं, मैं हमने जब एंटर किया था तब वीडियो बनाया था, तो वो वीडियो हम आपको दिखाते हैं। तो ये है हमारा रूम, बिल्कुल मरीन ड्राइव पर, ये देखिए ये रूम, और ये बाथरूम देखिए कैसा निकल रहा है, बढ़िया है, बहुत खूबसूरत, मेंटेन अच्छा किया, और ये सबसे बेहतरीन पार्ट, ये देखिए दरवाजा, ये बालकनी की हालत देखिए, रूम की हालत देखिए क्या हालत है, ये देखिए बालकनी का एरिया है, यहाँ और यहाँ पे है मिरर, यहाँ पे टेबल दिया हुआ है मिरर पे आपको मेकअप करने के लिए। और अभी अभी ब्रेकफास्ट हमने किया, जो ब्रेकफास्ट किया वो भी हम आपको भी दिखाते हैं। ये है पोहा, सबका सेट है, पोहा दो ब्रेड का सेट है, पोहा दो ब्रेड और चाय, या तो कॉर्नफ्लेक्स दो ब्रेड और चाय, या तो पोहा ऑमलेट दो ब्रेड और चाय, और साथ में एक केला, ये है ब्रेकफास्ट का मेन्यू यहाँ पे। और हम लोग ब्रेकफास्ट तीन केला हमने तीन प्लेट मंगाए, तो हम लोग अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, अब ब्रेकफास्ट करते हैं फटाफट। देख लिया आप लोगों ने ब्रेकफास्ट, अब चलिए ये देखिए यहाँ पे ये लगा हुआ है जिसको हमने गंद मचा के रख दिया है, और लीनन वगैरह जो भी आपका बेडशीट कवर वगैरह सब कुछ बिल्कुल क्लीन था। हमने एक एक्स्ट्रा बेड, क्योंकि हम लोग 3 पर्सन है, मेघराज के लिए बेड लेते हैं, तो ये एक्स्ट्रा बेड हमने साथ में ही लगवा लिया था, इसका भी सब कुछ क्लीन दिया था, ओपन ब्लैंकेट था बट इसके लिए एक कवर दे दिया इन्होंने, तो गुड। एक ब्लैंकेट कवर्ड में यहाँ पे ये कवर्ड है, और इसमें भी अलमीरा में आपको हैंगर वैंगर दिया हुआ है, लॉकेट भी दिया हुआ है, और एक ब्लैंकेट भी रखा हुआ है, लॉकर खोलने की जरूरत नहीं है वेदिका। और ये है टॉयलेट, एकदम वाइट मार्बल ताजमहल चमक रहा है, बढ़िया है, गर्म ठंडा पानी दोनों मिल जाएगा आपको, सब कुछ है जो एमिनिटीज होनी चाहिए, बड़ा कमरा का साइज देखिए, ये देखिए वो वहां पे खड़ी है, मैं यहाँ पे सब कुछ दिया इन्होंने, हमने नहीं मांगा ब्रश व्रश, हम तो लेके आए थे, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं, पता है कि देते हो, हमने मांगा नहीं है। एसी चल रहा है मस्त, एसी भी बढ़िया काम करता है, मतलब बहुत कंफर्ट नहीं हुई आई है, तो यही है, ये अच्छा होटल। तो इसका मैं बाहर से भी एंट्री आपको दिखा देता हूँ, और अभी नीचे उतरेंगे हम लोग तो बाहर से एंट्री दिखाएंगे।
तो ये था मरीन ड्राइव पर एक अच्छे होटल का बजट होटल का रिव्यू। इसको आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, इनकी भी वेबसाइट है होटल सी ग्रीन साउथ करके है, और वो आई वो अलग अलग वेबसाइट पे मिलता है। सी ग्रीन नाम है इस होटल का, सी ग्रीन साउथ, एक सी ग्रीन है एक सी ग्रीन साउथ है, हम लोग सी ग्रीन साउथ में रुके। इसकी रेटिंग मैंने गो आई वीवो पे ज़्यादा देखी, इसलिए मैंने इसको बुक किया, हमने गो आई वीवो से ही बुक किया है। तो 5-6 हज़ार के आसपास की रेंज में आपको मिल जाएगा डबल शेयरिंग पे, एक्स्ट्रा बेड लेगा फिर उसका एक्स्ट्रा चार्ज लेगा, तो डिपेंड करता है रेट आपको क्या मिलता है। तो इस वीडियो कहीं पर करते हैं, और आपको अच्छा लगा हुआ वीडियो, कभी आप अगर इस होटल में स्टे किए हैं जरूर अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, और आगे रुकेंगे तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग हमारे साथ, हम तो आपके थ्रू इस कैमरे के थ्रू बात कर ले रहे हैं, अपने मन की बात आपसे शेयर कर ले रहे हैं, मगर आप लोग अपने मन की बात, कोई भी बात, कुछ भी अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा है कुछ भी, आप हमें कहाँ लिख के बताएंगे कमेंट में, तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए ताकि हम आपकी फीलिंग्स को जान सके और अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए लेके आ सके। कोई स्पेशल होटल का डिमांड है, ज्यादा कॉस्टली नहीं, ज्यादा कॉस्टली हो तो हम अफोर्ड नहीं पाएंगे, तो धीरे 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 शहर का कोई होटल जो मिड मतलब मिड रेंज का हो तो आप बताए, हम लोग कभी ट्रैवल करेंगे तो होटल में स्टे करें, उसका रिव्यू हम दे, तो आप हमें कमेंट करके बताइए प्लीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये देखिए मरीन ड्राइव पे हम लोग निकल गए होटल से निकलते ही, एकदम ये सामने मस्त जाके बैठिए और एंजॉय कीजिए शाम को। और ये है होटल, होटल सी ग्रीन साउथ, हम लोग 5th फ्लोर पे थे बालकनी वाले रूम में, वेरी वेरी गुड। यहाँ पर रिसेप्शन और सर्विसेज भी अच्छे हैं, मतलब लोग स्टाफ बिहेवियर बहुत अच्छा है।